मान लीजिए आप पसीने से तर बतर है, बहुत प्यासे हैं, गला सूख रहा है पर कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप एक वृक्ष की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े होते हैं, तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी उस व्यक्ति से आंखें मिलती है। आपकी स्थिति देखकर वह व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है, आपकी उस व्यक्ति के बारे में कैसी राय होगी? और ये आपकी उस व्यक्ति के बारे में पहली राय होगी। कायम कीजिए और मेरे साथ फर्ज कीजिए कि ऐसे सिचुएशन में आप है, ऐसे हालात में आप है, तो आपकी प्रतिक्रिया या आपकी राय क्या होगी? राय नंबर एक, आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। और अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी दूसरी राय बनने वाली है। अब आपकी क्या राय होगी, आप ये सोच सकते हैं, अपने तक रखिएगा। ठीक 16 मिनट खत्म होने के बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है, मुझे देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर मैंने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना सबसे अच्छा समझा, इसीलिए थोड़ा समय जो लगा वो इसी के लिए था। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी तीसरी राय होगी, जो शायद दूसरी से बदल रही होगी। याद रखें कि आपको अभी तक कोई पानी या शरबत नहीं मिला है, उस व्यक्ति के बारे में यह आपकी तीसरी राय, ध्यान से दीजिएगा मगर अपने तक रखिए। अब जैसे ही आप शरबत को अपनी जीभ पर लगाते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें शक्कर या चीनी तो है ही नहीं। अब आप उस व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आपकी चौथी राय होगी। आपके चेहरे को खट्टेपन से भरा हुआ देखकर व्यक्ति धीरे से ऑरेंज ग्लूकोज फ्लेवर का एक पाउच निकालता है और आपसे कहता है, हाथ आगे बढ़ाकर, आप अपने स्वाद के अनुसार जितना चाहे उतना डाल दे। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी ये पांचवी राय होगी, भूलिएगा मत, ये आप अपने तक ही रखिएगा। एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने के लायक है? प्रश्न पहला। दूसरा, वास्तव में दुनिया में इतना समझ आया कि अगर कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है तो वह अच्छा है, और विपरीत करे तो वह बुरा। यदि आपकी सभी राय अब इकट्ठा हो गई होंगी तो आप जिस परिभाषा को मैं समझाने जा रहा था आप समझ चुके होंगे कि सब कुछ अस्थाई है। फिर चाहे वो आपकी राय हो, आपके देखने का नजरिया हो, समय समय पर बदलता है, इसीलिए इसे रखिए मगर किसी पर लादिए मत। और दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि अपने रिश्ते कायम रखने के लिए इसे सरेआम किसी को मत बताएं। राय बदलती है क्योंकि समय बदलता है। इंसान अगर इंपॉर्टेंट है तो राय को नजरअंदाज कीजिए और अपने तक ही रखिएगा। धन्यवाद।